ओम शांति। आज मुरली में बाबा ने कहा कि साइलेंस की शक्ति की, साइंस की शक्ति के ऊपर विजय होगी। इस चीज को कुछ ऐसे हम लोग देख सकते हैं, सबसे महान रीजन तो ये कि परमपिता शिव परमात्मा जिस तरफ होगा, जिस चीज के निमित्त परमात्मा है, जिस चीज की जिम्मेदारी परमात्मा शिव के ऊपर है, उसकी जीत तो निश्चित है ही। साइंस सामग्री बनाता है विनाश के लिए, सबसे बड़ी जो उन्होंने महान सामग्री, हालांकि साइंस खुद में बहुत ज्यादा एडवांस और एक बहुत परफेक्ट सब्जेक्ट है जो कि इंसानों के लाइव्स को इजी बनाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई भी मशीन क्रिएट करता है, मशीन कुछ भी है जो कि इंसान की मेहनत को बचा रही है, तो साइंस खुद में एक बहुत ज्यादा एफिशिएंट चीज है। लेकिन साइंस ने ऐसी चीजें बना रखी हैं जिससे बहुत मैसिव लेवल पे, बहुत मास लेवल पे, बहुत बड़े स्केल पे विनाश निश्चित है पूरे विश्व का। तो हालांकि साइंस रिफाइन होकर के सत्युग में भी प्राप्त होगी, जिसके जैसे बाबा ने आज ये भी कहा कि बॉडीज जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से डिस्ट्रॉय होंगे, बिजली से एक सेकंड में गायब, तो ये साइंस ही करेगा। लेकिन साइंस के किसी भी इनोवेशन के लिए, किसी भी आविष्कार के लिए साइलेंस रिक्वायर्ड होती है। लेकिन साइलेंस को प्राप्त करने के लिए साइंस की कोई जरूरत नहीं होती, साधन की जरूरत साधना के लिए नहीं होती, लेकिन खुद को साधने की जरूरत है साधन बनाने के लिए। कोई भी इन्वेंशन करने के लिए अंदर शांति की आवश्यकता है, लेकिन शांति प्राप्त करने के लिए किसी आविष्कार की या किसी साइंस की बनाई हुई वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। तो एक तो सबसे महान कारण ये भी है कि साइलेंस खुद में बहुत शक्तिशाली है। दूसरी चीज ये कि जो तीसरी चीज, पहली तो परमात्मा, दूसरी ये कि किसी भी इनोवेशन के लिए साइलेंस चाहिए, तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज जैसे आज कोरोना का टाइम चल रहा है तो साइंस अपना एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है कि हम इस चीज से विजय प्राप्त करें। लेकिन जो आत्मा ऑलरेडी अचल अडोल है, साइलेंट है, परमात्मा की शक्ति उसके रग रग में भरी हुई है, बिल्कुल वो जानती है सिचुएशन से कैसे डील करना है, जिसने अपने तन मन की जिम्मेदारी सच में परमात्मा को दे रखी है, तो वो निश्चिंत तो जरूर रहेगी। और ये निश्चिंत रहना मतलब विजय को निश्चित करना, इसीलिए साइलेंस की साइंस के ऊपर विजय तो निश्चित है। ओम शांति।